स्टूडेंट्स कैसे आप सब उम्मीद है ठीक होंगे। तो चले आज हमारा क्लास 6 का लेक्चर नंबर 2 है 4.1 का। 4.1 को समझने के लिए 4.1 जो थी हमने कल समझ ली थी, आप लोग लेक्चर पिछला देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं समझा। तो आज है 4.2 को करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक फार्मूला कह दें वो आपको याद करना पड़ेगा। वो क्या है जी, आपने याद रखना है कि जब भी प्लस सेम साइंस, जब भी कोई दो सेम साइन आएंगे तो आपके पास उनका आंसर प्लस होगा। इस बात का आपको मजीद पता चल जाएगा जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे। डिफरेंट साइंस, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका प्लस और प्लस दो इकट्ठे आ गए मतलब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनका आंसर क्या आएगा प्लस। माइनस माइनस अगर इकट्ठे आ गए तो उनका आंसर क्या आएगा प्लस रिजल्ट आएगा ये, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास डिफरेंट आ गए, डिफरेंट साइंस यूज हो गए यानी कि प्लस माइनस, तो वो आपको याद होना चाहिए कि वो माइनस बने। सॉरी प्लस लगा दिए यहाँ पर, ये माइनस आ गए यानी कि डिफरेंट साइन जब भी आएंगे आपने याद रखना है माइनस आएगा और जब सेम साइन आएंगे तो आपका प्लस आएगा। इस चीज को आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपने इसे याद कर लेना पहले। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दें जी। क्वेश्चन में आपने देख लेना है कि जहां पे सेम साइंस यूज हो रहे हैं ना पहले हम उनको एक साइन बनाए। उसके लिए आप देखें कहां पे है साइन, दो सेम साइन, ये साइन, इनके दरमियान दो साइंस हैं, इनके दरमियान कुछ नहीं है ना, ब्रैकेट है, ब्रैकेट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने क्या लिखना है माइनस सेवन प्लस प्लस का आंसर क्या है प्लस 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 आंसर आ जाएगा। तो प्लस प्लस आप क्या हो जाएंगे प्लस थ्री, यहाँ पे इक्वल टू लगा रहे हैं क्योंकि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि आप कौन से साइन है, ये आपका अगर माइनस प्लस क्या हो माइनस प्लस माइनस हो जाए डिफरेंट साइन, तो आप सेवन में से फोर को निकालें कितने बजे चार बजेंगे, ये आपका चार आ गया। इसके बाद जो एक और बात आपने देखनी है वो क्या देखनी है कि आंसर में एंड पे लास्ट पे जो आपके पास आंसर बचेगा उसमें कौन सा साइन, एंड पे नहीं कहीं पर भी कैलकुलेशन में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे एंड पे आपका क्या आ रहा है माइनस प्लस करके माइनस तो हमने कर दिया फोर आंसर आ गया, लेकिन इसके साथ साइन कौन सा लगेगा, साइन आपने लाजमी याद रखना है, अक्सर बच्चे जो है ना साइन को भूल जाते हैं तो साइन को आपने हमेशा याद रखना है। बड़ी वैल्यू का जो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो आपका हमेशा यूज होगा, क्योंकि छोटी वैल्यू के साथ आपका प्लस है, बड़ी वैल्यू के साथ आपका माइनस है, तो आपने माइनस फोर लगा है, ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर, इक्वल का साइन तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास माइनस फोर। अभी ये माइनस माइनस क्या हो गया, मैंने बताया था जब सेम साइन आएंगे तो आपके पास प्लस प्लस होंगे, टू और फोर कितने हो गए सिक्स हो गए, सिक्स आपका आंसर आ गया, लेकिन साइन कौन सा आएगा बड़ी वाली वैल्यू का, तो बड़ी वाली वैल्यू क्या फोर है, फोर के साथ साइन माइनस का तो हम माइनस से लाएंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसके बाद जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थ्री में कहता है जी ये प्लस माइनस हो रहे, तो प्लस माइनस ये फाइव आपका वैसे ही प्लस का साइन है, इसके साथ उतारना तो उतार ले, नहीं उतारना तो नहीं होता है, उतारे प्लस का साइन इतना इशू नहीं करता, माइनस का साइन आपने लाजमी लगाना था वो भी जब वैल्यू आपकी इस साइड पे आ रही हो, तो प्लस माइनस क्या होंगे माइनस वन, तो इसके साथ प्लस वाला था प्लस माइनस क्या होंगे माइनस होंगे, जाहिर सी बात है फाइव में से वन निकाल दे फोर आएगा, साइन आपके पास बड़ी वाली वैल्यू का प्लस लगाना लगाए नहीं लगाना ना लगाए। अगला क्वेश्चन आपके पास फोर वाला पार्ट प्लस टू ऐसे का वैसे होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे माइनस थ्री आ गए, तो प्लस माइनस कितने हो गए माइनस हो गए, थ्री में से टू निकालेंगे तो क्या आएगा वन आएगा, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा बड़ी वाली और माइनस थ्री माइनस है तो माइनस आपका नीचे आ जाएगा। इनमें आपने क्या देखना है, इनमें देखना है माइनस वन आपका साथ आ गया, ठीक है जी, प्लस माइनस क्या होंगे माइनस टू आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होंगे माइनस थ्री, ठीक हो गया। इसके बाद आपने पहली वाली दो वैल्यूज को कर लें, तीनों को इकट्ठा ना करें, माइनस माइनस क्या होगा प्लस प्लस होंगे माइनस वन और टू थ्री हो जाएंगे, साइन बड़ी वाली वैल्यू यानी कि माइनस का यूज होगा तो माइनस आपका साथ, ये वाला माइनस उतारेंगे
क्योंकि यहाँ तक तो हमने सोल्यूशन कर लिया, माइनस थ्री वैसे का वैसे का हो गया, तो अब ये आएगा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, थ्री और थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स हो गया। साइन दोनों वैल्यूज इक्वल है तो दोनों वैल्यू के साथ सेम साइन है तो हम वही लगा देंगे, माइनस का साइन आपका नीचे आ जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है माइनस थ्री, वैसे ही उतार देना आपने, प्लस माइनस आएगा माइनस फोर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस टू, माइनस टू आपके पास आ गया, माइनस टू। तो आपने क्या करना है, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगी, प्लस थ्री और फोर सेवन हो गए, बड़ी वैल्यू माइनस है, उसके बाद माइनस टू, तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, सेवन प्लस टू नाइन। साइन कौन सा आ रहा है हमारे पास, साइन बड़ी वाली वैल्यू का, तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ सेवन के साथ माइनस है इसलिए हमने माइनस उतार दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन। अब चल रहे हम लोग क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू पहले इसको रेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू भी आपका सेम टू सेम ही है, तो कॉपी यही है, हमें देखना है। मैं क्वेश्चन नोट कर लूं, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में क्या कहता है जी, आपके पास फर्स्ट वैल्यू है इसमें प्लस फाइव प्लस टू है जी। तो अगर इसे इसे देखिए आपका इसका पहला पार्ट, तो ये क्या है प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस फाइव, इनको प्लस करेंगे तो प्लस प्लस आ जाएगा, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, उसके बाद प्लस प्लस फिर प्लस जाएंगे सेवन और फाइव और टू भी तो जाएंगे सेवन और जाएंगे सात, कौन सा साइन निकलेगा बड़ी वाली वैल्यू का, वो आपके पास है प्लस का। सेकंड पार्ट में देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या है प्लस नाइन प्लस प्लस ठीक हो गया। तो आपने क्या देखना है फिर, ये प्लस नाइन आपका वैसे प्लस प्लस क्या हो गया प्लस सेवन आ जाएगा, इन्होंने को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सिक्सटीन, प्लस प्लस है ना इसलिए प्लस कर रहे हैं ठीक है। तो साइन बड़ी बड़ी वैल्यू का यानी कि प्लस का। उसके बाद आपके पास आता है थ्री, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स जी सूरज। तो ये माइनस फोर आप वैसे बता देंगे, यहाँ पे दोनों से साइन सेम है, प्लस माइनस क्या होंगे माइनस होंगे, तो माइनस माइनस प्लस होने हैं, फोर और सिक्स कितने होते हैं टेन होते हैं, माइनस 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 प्लस थे प्लस हमने किया और साइन बड़ी वाली वैल्यू का माइनस लगा दिया कि सिक्स के साथ माइनस था तो हमने इसलिए माइनस लगा दिया। उसके बाद आपके पास आता है पार्ट नंबर फोर, पार्ट नंबर फोर में कहता है माइनस एट प्लस माइनस एट, ये क्वेश्चन आ गया आपका। तो उसके बाद आपने फिर आपने देखना क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, आपने आपने यही देखना कि दो साइन काम है, जहां पे दो साइन है वहां से स्टार्ट करना ठीक है। तो ये माइनस के प्लस क्या होंगे माइनस होंगे, एट आ गया ये माइनस एट वैसे ही उतार दें, माइनस माइनस प्लस होगा एट और एट सिक्सटीन, सिक्सटीन साइन दोनों के साथ सेम है माइनस का, तो एक माइनस हम यूज कर लेंगे एक साइन उतार लेंगे, दोनों वैल्यूज बढ़ी है ना यहाँ पे। तो उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या कहता है जी, टेन प्लस माइनस टू, तो आपके पास ये आ गया प्लस टेन प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, टू आपका यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएंगे और आपका एट आंसर आ जाएगा, एट साइन कौन सा यूज होगा प्लस का। उसके बाद पार्ट सिक्स में है जी माइनस सेवन प्लस प्लस सिक्स ठीक है जी। तो इनको प्लस करेंगे प्लस प्लस क्या होगा प्लस होगा सिक्स आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होंगे तो माइनस सेवन में से वन निकालेंगे माइनस वन आ जाएगा आपके पास, क्योंकि माइनस टू आया जी बड़ी वैल्यू वाली के साथ माइनस है, सेवन है पार्ट आपका, सेवन पार्ट में क्या कहते हैं माइनस इलेवन प्लस प्लस सेवन ठीक है जी। तो इनमें क्या करेंगे, ये माइनस इलेवन आ गया प्लस प्लस क्या होगा प्लस 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 होता है, तो आपने इनको प्लस माइनस अब क्या हो गया माइनस माइनस, तो इलेवन में से फोर सेवन निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा फोर, प्लस प्लस माइनस माइनस किए तो फिर आपके पास फोर आया, लेकिन साइन आपके पास माइनस वाला यूज होना क्योंकि आपकी पड़ी वैल्यू
माइनस किए, तो हम लोग क्या करेंगे आगे, उसके बाद पार्ट नंबर एट आई, पार्ट नंबर एट में क्या कहता है, प्लस थ्री प्लस माइनस नाइन, ठीक हो गया। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है ये प्लस थ्री प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये नाइन आ गया आपके पास, ये प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस करेंगे नाइन में से थ्री निकालेंगे, सिक्स आंसर आपके पास। साइन कौन सा यूज होगा जी, माइनस का साइन यूज होगा क्योंकि आपकी बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस वाली, बड़ी वैल्यू नाइन है ना तो उसके साथ माइनस वाला, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है पार्ट नंबर नाइन, प्लस फाइव प्लस माइनस एट, तो ये क्वेश्चन दिया है आपके बुक का, मैंने पेज पे आपके क्वेश्चन नोट किए हैं तो वही आपको समझा रहा हूँ। तो आपने क्या लिखना है, प्लस फाइव प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस एट, तो ये प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस हो गए, एट में से फाइव माइनस करेंगे तो थ्री आ गए, माइनस आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। तो माइनस थर्टीन प्लस माइनस इलेवन, ठीक हो गया। आप क्या करेंगे, माइनस थर्टीन को नीचे उतारेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये आपका नीचे आ गया, माइनस माइनस प्लस होंगे, इलेवन प्लस इलेवन प्लस थर्टीन करेंगे तो कुछ बच्चों को प्लस भी सही तरह से करने नहीं आते, ये वन और थ्री फोर, वन और वन टू, तो ट्वेंटी फोर आपके पास आ जाएगा, आपने इस तरह से प्लस कर लेना। माइनस माइनस और साइन कौन सा बड़ा यूज होगा, बड़ी वैल्यू आएगा तो बड़ी वैल्यू थर्टीन है उसके साथ साइन है माइनस वाला, तो हमें इसलिए माइनस का साइन भी उतार लेंगे। तो आपके पास पार्ट नंबर इलेवन है, पार्ट नंबर इलेवन में कहता है प्लस ट्वेल्व प्लस प्लस ट्वेंटी थ्री जी। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इसमें क्या कर रहे हैं, फिर वही बात, साइन आपने सेम देखने का है, यहाँ पर साइन सेम है, प्लस प्लस क्या होंगे, प्लस होंगे, ये आपके पास 23 आ गया, 23 प्लस प्लस फिर से प्लस होने हैं, यहाँ पे 10 है यहाँ पे 20 है तो 30 हो गए, 30 में ये 3 और 2 5 हो गए, 35 हो गया आपके पास 35। साइन कौन सा आना चाहिए आपका, बड़ी वाली वैल्यू का, प्लस का, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आता है पार्ट नंबर है 12 पार्ट में क्या कहता है, माइनस 27 प्लस माइनस 19, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया आपके पास माइनस 27 प्लस माइनस माइनस आएगा और ये आपके पास आ गया 19 प्लस माइनस माइनस क्या हुआ है, प्लस हुए तो इसका मतलब हमें 27 को 19 के साथ प्लस करना है, तो 7 और 9, 7 और 9 आपके कितने होते हैं, 16 होते हैं, 6 लगा 1 क्या है, 1 और 2 3 और 1 4 54 हो गया, 46 हो गया आपके पास 46 माइनस माइनस, इनमें से माइनस बड़ा बड़ी कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू बड़ी, इसके साथ साइन कौन सा, माइनस का साइन आपके पास। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फिल इन द बॉक्सेस, तो बॉक्सेस को आपने फिर से फिल करना है, जैसे हम कल ग्रेटर और स्मॉलर के साइन के साथ फिल कर रहे थे, तो आज हमें ऐसे ही क्वेश्चन देगा और जो आंसर होगा वो आपने बॉक्स में लिख दो, सॉल्व कर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आपका वो आपने बॉक्स में लिख दिया। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, शुरू कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 में जी कहता है जी प्लस 3 प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू डैश, यहाँ पे उन्होंने बॉक्स दे दिया, ठीक है, ये आपका 6 है, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना भाई, सवाल है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, किसके आना चाहिए, माइनस प्लस माइनस होंगे, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ गया, साइन कौन सा आना चाहिए, माइनस का, माइनस माइनस 3 आपके पास आंसर है, तो इट मींस कि आपकी खाली जगह पे क्या है, माइनस 3, बाकी आपने रेज कर देना इसका सोल्यूशन आपने करके, एमसीक्यूज भी इस तरह से आ सकता है और आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है। उसके बाद आपके पास आता है पार्ट 2 में कहता है प्लस 7 है प्लस प्लस 3 इज इक्वल टू डैश, ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, फिर से वैसे सॉल्व करना है, प्लस 7 प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया 3, तो ये
ये कैसे चलेगा, प्लस प्लस टेन हो जाएंगे, ये सेवन और थ्री प्लस प्लस दस हो गया, तो आपके पास ये टेन हो जाएगी। टेन होने के बाद आपको पता है साइन कौन से यूज करना है, बड़ी वाली वैल्यू का प्लस, तो आपका आंसर टेन आया। इट मीन्स ये आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस टेन, प्लस टेन लगा दिया, अलावा से टेन लगा दे कोई मसला नहीं। पार्ट नंबर आपका थ्री, पार्ट नंबर थ्री में क्या कहता है जी, माइनस सिक्स प्लस माइनस नाइन इज इक्वल टू डैश। तो फिर हमने भी काम करना है, ये आपका माइनस सिक्स वैसे ही प्लस माइनस माइनस नाइन, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, तो नाइन और सिक्स कितने हो गए, फिफ्टीन हो गए। साइन कौन सा यूज कर, बड़ी वाली वैल्यू का, यानी कि माइनस, तो आपका माइनस फिफ्टीन आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने पार्ट नंबर फाइव फोर है, पार्ट नंबर फोर में क्या था जी, प्लस फाइव प्लस डैश इज इक्वल टू प्लस सेवन। अच्छा जी, ये बड़े मजे का सवाल है, इसको आपने गौर से समझना जरा। तो यहाँ पे डैश हमारी एक साइड पे थी, तो हमारा क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो रहा है ऐसे ना। तो अपने यहाँ से क्या करेंगे, हम डैश को एक ही साइड पे रहेंगे, डैश को सॉल्व करने के लिए डैश को एक ही साइड पे रहने से भी खाली जाएगा, तो ये आपकी खाली जगह आ गई यहाँ पे, प्लस सेवन था इधर, प्लस सेवन के इक्वल है ना, इसके साथ साइन इधर वाला था, इधर वाला साइन इस वैल्यू के साथ, ये प्लस फाइव है, प्लस फाइव को उधर ले जाएंगे, क्योंकि हमने ये जो हमारी ब्लैंक है इसको हमने एक साइड पे छोड़ना है, क्योंकि जब हम एक साइड पे छोड़ रहे तो हम अपना क्वेश्चन इजीली हल कर रहे, तो प्लस सेवन को उधर ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस, प्लस फाइव को उधर ले जाएंगे तो माइनस फाइव आ जाएगा। तो इनको प्लस ये क्या है, माइनस प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस होना माइनस है, फाइव में से सेवन में से टू, फाइव निकाल के टू आएगा, साइन कौन सा यूज होना आपका, प्लस प्लस का, क्योंकि प्लस का साइन आपकी बड़ी वैल्यू के साथ, तो आंसर आया आपका टू। तो इट मीन्स आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका आ रहा है प्लस टू, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आता है पार्ट नंबर फाइव, पार्ट नंबर फाइव में कहता है डैश प्लस माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस सिक्सटी नाइन, ठीक हो गया जी। तो ये आपने ब्लैंक नहीं रहने देंगे, प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस होंगे, ये फाइव आ गया इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, ब्लैंक को इधर रहने देना, बाकी सारा कुछ उधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू ये माइनस सिक्सटीन था जो आपके पास पहले रह गया, उसको पहले लिख लें और इसको बाद में लिख लें, इसलिए फिर आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी। प्लस फाइव है, माइनस फाइव है, तो माइनस फाइव को उधर ले जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस फाइव। तो ये आपका कितना आना चाहिए, प्लस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो गया, तो 16 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 11, आपके पास आंसर आ गया आंसर के। और आपने, आपको पता है कि आपने साइन कौन सा लगाना है, बड़ी वाली वैल्यू का, बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो आपने माइनस लगा दिया, इट मींस कि आपका माइनस 11 आंसर है, तो आपका माइनस 11 यहां पर आना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर है सिक्स, पार्ट नंबर सिक्स, पार्ट नंबर सिक्स में कहता है डैश प्लस माइनस सेवनटीन इज इक्वल टू प्लस टू। स्टूडेंट्स, तो ये आपका फिर से हमने वही काम करना है कि इसको जो ब्लैंक है उसको एक जगह पे रहने देना और बाकी सारा कुछ उधर लेना, तो ये आपका दूसरी साइड पे प्लस टू वैसे का वैसे ही उतार दिया हमने, माइनस सेवनटीन ये प्लस माइनस होके क्या हो जाते थे, एक साइड पर मिस कर दिए, प्लस माइनस होके माइनस हो जाते थे, तो माइनस होके उधर जाना था तो क्या हो जाता था, प्लस जी सेवनटीन हो गए, सेवनटीन और टू कितने हो गए, नाइनटीन हो गए, ठीक हो गया। तो इट मीन्स कि आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, ब्लैंक, ब्लैंक में आपका आंसर आना चाहिए नाइनटीन, ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर आपके पास आता है सेवन, प्लस हंड्रेड प्लस डैश इज इक्वल टू, डैश लिख रहे हैं या ब्लैक वो बॉक्स लिख रहे हैं एक ही बात है, तो ये आपके पास है, आप आपको पता है हमने क्या करना है, ब्लैंक को एक तरफ रहने देना और बाकी सारा कुछ दूसरी साइड पर लेकर जाकर सॉल्व कर दे। ये प्लस
50 आपका वैसे ही आ गया, ये आपका प्लस 100 जो है उधर के जा के आगा माइनस 100, तो माइनस करेंगे इनको, प्लस माइनस माइनस होंगे तो क्या आएगा आपके पास, 100 में से 50 निकालेंगे तो 50 बच गया। साइन कौन सा यूज होगा बड़ी वाली वैल्यू का, तो वो माइनस है, ठीक है जी। तो आपकी ब्लैंक में क्या आना चाहिए, माइनस 50। उसके बाद आपका जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपने ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करने का मतलब है प्लस 2 आप नीचे उतारेंगे, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 3 नीचे छोटी ब्रैकेट आ जाएगी, प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस 4 आपका नीचे आ जाएगा, प्लस प्लस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे 3 और 2 5, साइन बड़ी वैल्यू का तो प्लस आ जाएगा, प्लस 4 आपका नीचे, प्लस प्लस क्या होंगे, प्लस 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 हो जाएंगे 4 और 5 9, साइन कौन सी वैल्यू का यूज होगा, बड़ी वाली वैल्यू का। तो ये आपके आपका पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं इसका, माइनस 1 प्लस माइनस 1 ब्रैकेट प्लस माइनस 5, तो ये आपका माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 1 साथ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 आपका ऐसे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, कौन सा साइन आएगा, दोनों वैल्यूज के साथ माइनस का साइन है तो एक माइनस का साइन आप लगा देंगे, माइनस 5 ऐसे का वैसे, माइनस माइनस प्लस हो गए और 2 और प्लस कितने हो गए, 7, माइनस एक माइनस लगा देंगे हम, ये बड़ी वाली वैल्यू का, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आता है पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में क्या कहता है जी, बड़ी वाली ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस 3 उसके बाद प्लस प्लस 5 प्लस माइनस, माइनस 1, तो ये आपके आपने बड़ी वाली ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया प्लस 3, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 5 आ जाएगा, ये वाली बड़ी वैल्यू, प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस 1 का 1, प्लस प्लस क्या करेंगे, प्लस हो जाएंगे, 5 और 3 8 हो जाएंगे, साथ साइन कौन सा आएगा, बड़ी वाली वैल्यू का वो क्या, प्लस माइनस 1 आपका वैसे का वैसे, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, तो आपका 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, साथ साइन आएगा प्लस का। तो ये थे आपके क्वेश्चन पार्ट 3 तक, तो आपका करते हैं पार्ट नंबर 4, क्या कहता है पार्ट नंबर 4 में, ब्रैकेट बड़ी लगा के कहता जी, उसके अंदर है माइनस 2 प्लस माइनस 6 बड़ी ब्रैकेट प्लस प्लस 4, ठीक हो गया जी। तो ये आ जाएगा आपका माइनस 2 ऐसे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 6 आपका ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएंगे, 4 आपका 7 आ गया, माइनस माइनस प्लस होंगे, प्लस करेंगे 2 और 6 8 हो गया, एक माइनस बड़ी वाली वैल्यू का 7 आ गया, प्लस आपका ऐसे 4 का 4 ऐसे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 4 बच जाएंगे, साथ साइन कौन सा यूज होगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आना, पार्ट नंबर 5 सॉरी, ये आपके आपको कहता है जो प्लस 25 है, उसके बाद प्लस प्लस 25 प्लस प्लस 50 फिर बड़ी ब्रैकेट। तो इसमें क्या करना है, आपने प्लस 25 को वैसे ही लिख लेना है क्योंकि यहाँ पे डबल साइन नहीं है, उसके बाद प्लस आ रहा है, प्लस को वैसे लिख दे, ब्रैकेट को सॉल्व करना है आपने, प्लस 25 को भी वैसे लिख दे, इसको क्या करेंगे, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, 50 आ गया साथ, तो ये आपकी ब्रैकेट आ गई, प्लस 25 को वैसे ही लिख लें, प्लस को भी वैसे लिख दीजिए, प्लस प्लस क्या हो जाएगी, प्लस 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 हो गए, 50 और 25 कितने हो गए, 75, साइन कौन सा आ रहा है, प्लस का, तो प्लस ही है, पहले ऑलरेडी प्लस है तो प्लस प्लस भी प्लस ही हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका आ गया प्लस प्लस क्या होंगे, प्लस होंगे, 75 और 25 हो जाएंगे आपके पास 100। पार्ट नंबर 6 है आपके पास, पार्ट नंबर 6 में कहता है माइनस 18 प्लस 25 ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस 30 आ गया आपका, और ये ब्रैकेट आ गया,
जी स्टूडेंट्स, तो ये माइनस 18 को आपने वैसे लिख देना है, प्लस ये आपकी ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है, 25 भी आपका वैसे आ गया, प्लस माइनस क्या रहेंगे, माइनस 30 आ गया। ये माइनस 18 प्लस इनको माइनस करेंगे, माइनस हो रहा है तो 30 में से 25 निकालेंगे, पीछे बचेगा 5, माइनस 18 में से 5 माइनस करें कितना बच गया, 13 बच जाएगा। साइन कौन सा यूज होगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका काम आज का 4.2 का, तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।